परवर्ती खबर को आसपा ढेंकानाल कामाख्या नगर में मर्मन्तुद दुर्घटना अटो को पिटिला कोयला बोझे ट्रक दुर्घटना रे पांच जनकर मृत्यु होउची। ढेंकानाल कामाख्या नगर थाना तेपन नंबर जातीय राजपथर पथरखंब छक निकट रे होउची एही दुर्घटना। अटो को द्रुत गति रे आसुथिबा एक कोयला बोझे ट्रक धक्का देथिला एते जोरे दुर्घटना होइथिला जे घटनास्थल रे पांच जनकर जीवन जाइछि। मृतक माने हेउछन्ती कामाख्या नगर बांगुरा गार अनंत समल, प्रहलाद समल, आदिकंद समल, अंकुर समल, पुओ दिव्यरंजन समल। पांच जन मृतकों मध्ये जड़े तेरह वर्षीय शिशु रही ते महुल टोल पेशाइवाई मुक्तापसी जाऊवा बेले दुर्घटना होती। खबर पाई कामाख्या नगर थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुर्घटना घटाई ट्रक को जबत कर अधिक तदंत आरंभ कर। दुर्घटना को नहीं उत्त्यक्त लोक रास्ता अवरोध करते घटनास्थल में मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच लोक बुझासुझा करपटे दुर्घटन प्राण हर मृतकों पर एक लक्ष टा लेखाए सहायता राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पांच मृतकों पर मुख्यमंत्री पांच लक्ष ट सहायता घोषणा कर खणी इस्पात और पूर्त विभाग मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक एथसहित मृतकों पर रेडक्रस पांठि कोड़े हजार टंका लेखाए प्रदान हो मंत्री घोषणा कर मंत्री एक घोषणा पर रास्ता अवरोध प्रत्याहृत हो मु तो जानी शोली सका पांचटार पांच जन जो दादा पुह दीज पु गोटे आम साई रू जे से भाई लगे से जन आज गाड़ी चलता से भी आम से भी दादा पु भाई बापा का सका टूल पेरे आई अंधार पांचटा बेल आई तो सड़क दुर्घटना जो है मुझे बहुत मर्माहत मो निर्वाचन मंडल बांगुरु पांच लोकर गोटे पर शेष होगा भाई अवस्था होती दुख दुर्घटना क्या को नसू एप मानव मुख्यमंत्री को अनुरोध करी से पर किसी सहयोग करने मानव मुख्यमंत्री प्रति लोक पिछा लक्ष टा लेखे पांच लक्ष टा घोषणा कर कलेक्टर अनुरोध करी रेडक्रस रु किसी साय कलेक्टर रेडक्रस रु कोड़े हजार लेखे पांच जन को लक्ष टा दे आशा करी आम ये तो पैसा किसी नुहे आम जहाँ आम सब शांति श्रृंखलार लोक आम समस्ते बर्तमान जो गाड़ी ये रोड ब्लक होती अनुरोध करी जो आम युवक बंधु मान को से रोड ब्लक बंद करेंगे जो स्वाभाविक रास्ता जीवन भविष्य में अगर कौन व्यवस्था करोचना करी आम तो एन एच कर्तृपक्ष सहित आम से कार्यक्रम करुच्छू चंचल करने आप देखते अगर अंचल अपेक्षा आम ये अच्छी प्रोग्रेस अच्छी तार किसी टेक्निकल प्रोब्लेम थी जो ग्रीन ट्रिब्युनाल अन्न कथ जो विलंब होती एन एच अथरीटर किसी ना कि कंट्राक्ट भी सही ग्रीन ट्रिब्युनाल अन्न कथा से प्रोब्लेम होती त्वरावित करम शेष हम आशा करी आम समस्ते सहयोग करिया सरकार को। काउंटडाउन स्टार्ट नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर ध्वंस आरंभ हो अवगणना आज दिन 2:30 रे माटी रे मिसिब नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर मात्र 9 सेकेंड रे धूलिसात हेबो ट्विन टावर। एपेक्स टावर रो 32 महला सियान टावर 28 महला विशिष्ट अट्टालिका रे विस्फोरण पई 3700 किलो बारूद खंजा जाइछि। टावर हेबो प्राइमरी सेकेंडरी विस्फोरण उभय टावर हेबो 7-7 सेकेंडरी विस्फोरण रिमोट कंट्रोल बटन दबाबे चेतन दत्त आउ एहारो किछि क्षण मधरे धूलिसात होइ जिवो 70 कोटी टंका रे निर्माण होइथिबा विशाल अट्टालिका। ये भारत इतिहास रे जो देखिबा प्रथम नोएडार ट्विन टावर ध्वंस होब आउ मात्र किछि समय अपेक्षा रही काउंटडाउन आरंभ हो जाइछि। लगातार भाव में आम दिन 9 ए संपर्कित खबर दे चलीचु एवं ब्रेकिंग न्यूज मध्य दे चलीचु आउ मात्र किछि समय अपेक्षा रही ए दिगरे देखिबा कि प्रशासन पक्षरु सब प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। गोटी अपेक्स अन्यटी होउछि सियान टावर। एपेक्स टावर 32 माला
सियान टावर हेउछि 28 महला 3700 किलो बारुदरे विस्फोरण हेबो 3 किलोमीटर जाय छाई जीव धुळीर चादर 9 सेकेंड मात्र 9 सेकेंड रे ध्वंस होइछि बो ए दुर्नीतिर कोठा ट्विन टावर रे लागि चारिछि विस्फोरक एवं ए दिगरे व्यापक प्रस्तुति मध्य करा जायछि एवं बड कथा हेउछि कि 3700 किलो बारुदरे विस्फोरण हेबो अधिक सूचना पाई एवं अधिक आलोचना करने पाई प्रतिटी अपडेट पाई वर्तमान रे मो सहयोगी लक्ष्मी नारायण जोड़ी हुई चिंती न्यूज रूम रो लक्ष्मी काउंट डाउन स्टार्ट हो जाई छी आउ मात्र किछि समय अपेक्षा 2:30 रे देखिबा कि धुली रे मिसि जीव नोएडा सुपर टेक ट्विन टावर वर्तमान तक कोन रही छ अपडेट खोंदु त जो कथा कहूले वर्तमान आउ किछि घंटार मात्र रहिला तार आयुष ट्विन टावर आयुष काहेकि ना वर्तमान 11:15 हेलानी एवं पाखापाखि आउ 3 घंटा पर अवगणना मध्य स्टार्ट होगलानी किंतु बड़ कथा हेउछि जो दिन 2:30:10 पर जो अट्टालिका मो पछपटे आप देखुंटे अट्टालिका निजर सत्ता हर सारी अट्टालिका देखा मिलना ना एवं 9 वर्षर जो संघर्ष था 9 सेकेंड धूलिसात हो समस्त उत्कंठा रही समस्ते द्वंद्व रही एम एक कहूँ आम एपाई टावर संपर्क लगातार भाव में आम दर्शक मान बुझे चेषा करुचे जनवाक चेषा करुचे कारण यही ट्विन टावर जे केवल ध्वस्त हो नुहे यह सहित यह एक स्मारक हो रही दुर्नीतिर स्मारक हो रही अनेकों से बिल्डर मानी एक सबक रो मैंने बेआईन भाव में जो कोठा निर्माण करुछंती अट्टालिका निर्माण करुछंती ठिया करुछंती एक सुप्रीम कोर्ट जो कड़ा निर्देश दे जो भांगिबा निर्देश देते यह सूचौछि जे बेआईन कोठा नुआ हेउ किंबा पुरुणा यहाँ भांगिबार अधिकार सुप्रीम कोर्ट निर्देश रही जहाँफल यह भांगिबा बाध्य प्रशासन बड़ कथा हला बर्तमान जो अपडेट कथा कहिबा ताहले एक प्रकार जमी मॉक ड्रिल करा जिबो एवं ता रिमोट कंट्रोल 100 मीटर दूर में रिमोट दबे चेतन दत्त आप सूचना दूसरे किंतु वर्तमान कथा जे एबे पार्श्व बासिंदा मन में गोटे भय रोचे गोटे आशंका रोचे ट्विन टावर अति निकट से घर रही बासस्थान आपार्टमेंट रही सेगुड़िक कौन हो पाए कि यही द्वंद्व रोचे किंतु जो टावर भांगिबा जो विशेषज्ञ रही जो इंजीनियरिंग काम करते दृढ़तार सह कहते केवल ट्विन टावर को ही टेक्निकली तले मटेरियल मिसाई दिजिव आउ कौन क्षति होबना कौन विघ्न कौटी पहुँचब ना कि एक सत जे ट्विन टावर को विस्फोरण कला बेले आपड़ जमी कहते 3700 पखापाखि एत किलोग्राम विस्फोरण जो गोटे स्थान में हे से बड़े निहाती एक एक भूमिकम्पर अर्थ कृत्रिम भूमिकम्पर गोटे भ्रम सृष्टि कर रिक्टर स्केल रे मध्य एहा कुहा जाउछि 2+ यह भाइब्रेसन हो पारे कहुच्छे किंतु ता पूर्व आम दर्शक मानक बुझे चाहूँ एवं आमर पूरा ट्विन टावर चारिपटे आम प्रतिनिधि मैं रही टिकनिक भाव में देखाऊँ प्रकृति में ट्विन टावर वर्तमान स्थिति केमी रही भाव में प्रस्तुति चली देखूँ जितेबाला आम ट्विन टावर पछपट दृश्य आप देखु यही बयान करुँ कि भाव में वर्तमान आम टे ड्रोन कैमरा देखा चाहूँ कि भाव में वर्तमान ट्विन टावर ठिया है आउ 2:30:10 पर हुए तो यही टावर आउ नथिबो को अधिक आलोचना करने वरिष्ठ चिकित्सक हरीश चौधरी वर्तमान फोलाइन अच्छा डॉक्टर चौधरी आज देखा कि ये भारत इतिहास रे प्रथम एवं काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए ट्विन टावर ध्वंस आउ किछ समय पर किछ घंटा पर कि बड़ कथा कि आप देखते आर गोटे कौन बड़ प्रभाव पड़ा जाऊँगी लोक मान कौन कहे आप सबुठ बड़ प्रभाव हूँ दिल्ली नोएडा भाया जगार जो समय कि वायु प्रदूषण मात्रा बहुत अधिका एयर पल्यूशन इंडेक्स जदि आम देखा नोएडा दिल्ली में सब बेले 100+ रुहे आज 111-113 अच्छी तेणु जेकोसी बिल्डिंग भांगा बेलू सब गोटे इंपैक्ट स्टडी कराए एक विभिन्न परेशद मान प्रश्न उठे विगत दिन में जेतेबेले बिल्डिंग भांगा बेलू विभिन्न एक्सप्लोसिव यूज कराव एवं बिल्डिंग भांगा पर जो धूली धूआ उड़ब तार प्रभाव रे अनेक दिन धरी श्वास रोग से लोक मैंने पीड़ित हे विशेषकर दिल्ली में जो भाया वायुमंडल सब बेले रुहे से श्वास रोग थंडा काशरे पीड़ित हूँ एवं वर्तमान समय जो भाया पापाग चली समय बिल्डिंग भांगा द्वारा निश्चित भाव श्वासक्रिया जनित समस्या लोकंर सृष्टि हे ता उपरे जदि आमे आउ टिके दृष्टि देई परिबा
डॉक्टर चौधरी विशेष करके जो माने गर्भवती महिला जो माने वयस्क नागरिक रहिछंती एवं छोटो पिला जो मानकर डस्ट एलर्जी रहिछि तो सेमान कोपर कोटे बड़ा इंपैक्ट पड़िबा बोली आपण भाबुछंती कि निश्चित आबे पड़िबो एक्सप्लोसिव यूज होबा द्वारा जो धुआं निर्गत होबो ताजगु पड़िबो जो धूली निर्गत हम बिल्डिंग भांगा द्वारा ताद्वर मध्य पड़ो मुख्यतः तो स्वास्थ्य जनित समस्या सृष्टि हम जो मानकर डस्ट एलर्जी अच्छी से मैंने विशेषकर आजमा एलर्जी रे पीड़ित हे तेणु आन देवाई सरकार तो ध्यान देवे किंतु साधारण लोक आम सचेतन करय मास्क अंत पक्ष पिंधा आवश्यक डॉक्टर चौधरी बड़ा कथा होची कि विस्फोरण करि भांगी दिया जीवा परे नोएडा आकाश धुआमय जेतेबळ होई जीवा एवं एक कथा मध्ये कोहा जाउची टावर ध्वंस परे पाखापाकी 35,000 घन मीटर उच्च पर्यंत धुआं भरि जीवो गोटे धूलिमय होई जीवो संपूर्ण आकाश तो विशेष करि कि लंग्स उपरे आरो गोटे कोन प्रभाव पड़िबो निश्चित भाबे धूलिरो मात्रा जेते अधिका हबो एवं केमिकल युक्त धुआरो मात्रा जेते अधिका हबो सेते मात्रा रे फुसफुस जनित समस्या लोक मैंने पीड़ित हे वायुमंडल आज एयर पल्यूशन इंडेक्स मात्रा जहाँ अच्छी निश्चित भाव घनीभूत हम एवं श्वासक्रिय विशेषकर वयस्क लोक मैंने छोट पाने बेसी पीड़ित हमारे संभावना अच्छी विशेष कथा कहते कि छोट पा वयस्क मैंने बेसी समस्या सामना करेंगे एवं बड़ कथा कि देखिए कि प्रशासन पक्षर तमाम पदक्षेप नि किंतु जिते गोटे धुआंमय परिवेश सृष्टि हे लोकों पर जो सहित आप देखते दिल्लीर जो भाव में जो परिवेश रही आग को दिवाली आसूसी दुर्गा पूजा आसूसी ये लोकों समस्या को आहरी द्विगुणित कर कि एयार पल्यूशन आहरी बढ़ी आप भावुं कि सहित स्वास्थ्य उपर गोटे खराब प्रभाव आग को पड़ निश्चित भाव ये समस्या आज भंगा है बिल्डिंग कल गोटे दिन में सीमित रहा नुह ये पखापाखी विभिन्न परिवेश मानकर आकलन अनुसार पखापाखि दुई रु तीन मास आर प्रभाव रही पारे से अंचल एवं एयर पल्यूशन इंडेक्स जहां आम आज देखुचे 111-112 अच्छी सी निश्चित भाव आहरी बढ़ो जो मैंने पूर्व श्वास रोग से पीड़ित अच्छा से श्वासक्रिया जनित कष्ट अनुभव बेसी बढ़ो डॉक्टर चौधरी जेहेतु देखिबा कि तळे भारत इतिहास रे प्रथम ट्विन्स टावर ध्वंस हेबो लोकों को स्वास्थ्य उपरे मध्ये गोटे बड़ प्रभाव पड़िबा को जाउची धन्यवाद डॉक्टर चौधरी आपण हम सहित अधिक आलोचना करउतबारु तेबे आ मात्र किछि समय अपेक्षा रहिची तो किछि घंटा परे देखिबा कि ट्विन्स टावर भंगा हेबो नोएडा रो ट्विन टावर ध्वंस हेबो काउंटडाउन आरंभ होई जाइची एदिक रे उत्कर्ष मेहटा प्रतिक्रिया रखिछन्ती कोन कोचुन्दि आसन सुनिबा आज तक की क्या तैयारी हो गई है और ढाई बजे क्या ब्लास्टिंग की प्रक्रिया क्या है? तैयारियों में तो हम लोग कल से रेडी है, आज जस्ट फाइनल चेक चल रहा है। सम इक्विपमेंट्स जो हम हमारे रिसर्च के लिए हम लोग डाल रहे हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो इक्विपमेंट्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं हर फ्लोर, मतलब नॉट हर फ्लोर पे 10 इक्विपमेंट्स है वो जो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है और फाइनल चेक चल रहा है। आज कौन कौन से उपकरण लगने अभी बाकी हैं? उपकरण ऑलमोस्ट कल लग चुके हैं, वाइब्रेशन सेंसर्स लग चुके हैं, आज सब जाके एक बार थरथ चेक करके पोल्यूशन मॉनिटरिंग नॉइज मॉनिटरिंग वो लग चुके हैं, देन गेल पाइपलाइन के लिए जो उनको ट्रेंचेस में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करना था वो लग चुका है। सो ओवरऑल वी आर डन विद द जॉब, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि हमने कुछ भी रह गया अभी। एक्सप्लोडर ब्लास्टर किस समय तक लगेगा? 12:30 के बाद लगेगा। सर सीबीआर ने क्या क्या इक्विपमेंट लगाया? सीवेर ने काफी इक्विपमेंट्स लगाए, हम लोग अभी ज्वाइंटली कर रहे हैं सब कुछ, बट बेसिकली वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सम हाई स्पीड कैमरास भी डिप्लॉइंग, फिर हम ड्रोन्स ऑफकोर्स फ्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए ब्लैक बॉक्स में हम लोग सीवेर है कुछ इक्विपमेंट्स बना के लाए, वो अभी फिलहाल अलग अलग फ्लोर पे डिप्लॉय हो रहे हैं। This is all what we are doing. 10 black box pe there are instruments which they have made on their own for research purpose. कितनी fast building आई, blast का volumes कैसे रहे, तो वो study करने के लिए CBR ने ये खुद बना के लेके आए और हम लोग उसको अभी deploy कर रहे हैं। कितनी expert की टीम आज blast को अंजाम देगी? 6 जन सर। सर इतना इम्पोर्टेंट दिन है, डर लग रहा है, नर्वस हैं आप? बिल्कुल डर लग रहा है, नर्वस है, डर तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली नर्वस हूँ। लास्ट डे आ गया है, थोड़ा माइंड अभी काम कम हो गया इसलिए माइंड वो तरफ डाइवर्ट हो रहा है, बट सेट एंड डन हमने जो पिछले 8 महीने में किया है आप जो 8 सेकंड्स में देखेंगे
वो हमको मालूम है हमने क्या किया. सो होपफुली आप लोग के सबके आशीर्वाद से विल डू वेल एंड आफ्टर दैट वी विजिट टुगेदर एट 6 o'clock एंड टॉक अबाउट इट. ये थे हमारे साथ एपडिस कंपनी के ओनर उत्कर्ष मेहता, जिन्होंने बताया कि 8 महीने से ब्लास्टिंग प्रक्रिया के लिए काम चल रहा था और आज 12 सेकंड में पूरा काम हो जाएगा. 5 मिनट विस्फोट होगा और 7 सेकंड में मलबा नीचे आ जाएगा. इसके लिए तमाम उपकरण लगा दिए गए हैं. उनका कहना है कि नर्वस हैं आज क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है और पूरी सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग ढाई जाएगी. कैमरामैन अनिल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा. भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जा रहा है. आप देखेंगे तैयारियां की गई हैं कि किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए. किसी इमरजेंसी की कोई पोजीशन हो, कोई सिचुएशन हो, तो ग्रीन कॉरिडोर कैसे तैयार किया जाए, उसका ड्राई रन देखेंगे आप कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें किस प्रकार की तमाम तैयारियां हों, उसके लिए ये ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. उसकी ड्राई रन यहां पर हो रहा है फिलहाल और आप देखेंगे तमाम जो पुलिस का जत्था है वो यहां मौजूद है. तमाम आला अधिकारी मौजूद है जो खुद अपने लेवल पर इसको लीड कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी की कोई बात आती है, उस दौरान किस प्रकार से ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, इसका ड्राई रन लिया जा रहा है और तमाम तरीके की जो भी आज व्यवस्थाएं की जानी है, जो भी आज पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसका ड्राई रन किया जा रहा है. ये देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है. ड्रोन कैमरा उड़ाया गया था अभी और इससे पूरा देखा गया कि कैसे ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया जाएगा, कैसे एम्बुलेंस का मूवमेंट होगा, पुलिस का एस्कॉर्ट का मूवमेंट होगा और तमाम और भी जो एहतियात हैं वो किस प्रकार से बरते जाएं, इसको लेकर तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम नोएडा प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयार हैं. पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं. सर, ग्रीन कॉरिडोर का ड्राई रन अभी आपने किया, किस प्रकार की तैयारियां हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है? देखिए पहले ही बताया गया था कि आसपास जो रेजिडेंस हैं या फिर यहाँ किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए इमरजेंसी रूट और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि हम जो चिन्हित हॉस्पिटल हैं जिसकी संख्या 8 से 10 है तो वहाँ तुरंत ही हम किसी भी व्यक्ति को या फिर जो भी अन्य इमरजेंसी है उसको टैकल कर सकें. अभी इसलिए इसका एक प्रैक्टिस किया गया है ताकि मौके पे हमें समझ में आ जाए कि क्या दिक्कतें आती है और अभी ही इसका समाधान कर लिया जाए ताकि हम जब अगर मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम तत्काल रिस्पॉन्स कर सकें और उस समय कोई दिक्कत ना हो. सर, तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनको खाली भी करवा गया है, आसपास की सोसाइटी में जो रह रहे थे उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? और अलग अलग जगह शिफ्ट किए गए हैं और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि अब जो मीडिया के जो सुरक्षित जगह हैं वहां पर रहें और सभी जगह हमारी ड्यूटियां हैं. बैरियर पॉइंट एक्टिवेट है, आप देख रहे हैं कि आपके कि गूगल मैप में भी ऑटो डाइवर्जन दिख रहा है तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए. सिक्योरिटी मेजर्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशन आपने एहतियात के तौर पर मुख्य क्या क्या अपनाए हैं रूट डाइवर्ट करने के अलावा, और क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए क्योंकि पोल्यूशन एक बड़ा कारण आज होगा? देखिए इस तरह की जो गाइडलाइन है पॉल्यूशन को लेके, डस्ट को लेके पहले ही बता दिया गया, आकलन कर लिया गया है, उस पर तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना आश्वस्त करता हूँ कि चाहे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो चाहे आसपास की बात हो, लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं, यहाँ के लोग को बहुत पूर्व से ही बता दिया गया. बातचीत के लिए शुक्रिया. गणेश प्रसाद साहा DCP लेवल के अधिकारी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ड्राई रन भी अभी ग्रीन कॉरिडोर का किया गया, अब तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं. अंतिम चरण जब 2:30 बजे बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा बस उसका इंतजार है और साफ तौर पर कहना है कि इमरजेंसी प्रिकॉशन तमाम अपना लिए गए हैं, उनकी पूरी तैयारियां हैं. साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका नहीं है और नहीं हो यही ये मानकर चल रहे हैं. आपण शुणुले कि भावना व्यापक प्रस्तुति किभली तैयारी करी फेरि लक्ष्मी आपंप बड़ कथ हो कि ट्विन टावर ब्लास्ट बटम दबाइबे चेतन दत्त और समस्त अपेक्षा रही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए कि बड़ कथ हो कि ग्रीन कॉरिडोर प्रस्तुत करपक प्रस्तुति करमी आम प्रतिनिधि आलोचना करुले तो ये जो अपरेसन देखा कि आउ मात्र कि घंटार बाकी अच्छी ए व्यापक प्रस्तुति आपड़ जमी ड्रोन कथ कहते पूरा डिटेल्स कहतु तो
निहतर स्वागतिका जहां प्रतिनिधि कहते हैं बर्तमान एक प्रकार मकड्रिल सरी अपेक्षा केवल अवगणन आरंभ हो सारी एवं अपेक्षा 2:30 को जितेबले बटम दबाए चेतन दत्त एवं निमिषक मध्य 9 सेकेंड भितर अर्थ 1-10 गला भितर आउ बिल्डिंग नो बिल्डिंग आप पछपटे देखुं बिल्डिंग 2:30:09 पर आउ आप देखा पाइबे ना ता पूर्व जी कह बिल्डिंग संपर्क में सूचना देवाक चाहिए यह हूँ से ही बिल्डिंग जो बिल्डिंग विश्वर 3 नंबर आसव जहाँ को सब टलेस्ट बिल्डिंग हिसाब से ध्वंस करा जो 2 टावर रही गोटाक 32 कोठा मध्य रही महला रही जी कह बड़ कथ गोटे बड़ कथ हूँ दिल्ली में कुतुब मीनार ठारू बिल्डिंग बड़ आउ गोटे अपडेट हूँ जो दिल्ली में कुतुब मीनार ठारू ट्विन टावर बड़ एवं से बोधे समस्त मन में बड़ उत्कंठा रोचे से आम लगातार भाव में न्यूज 18 जरिया आम दर्शक मानक अपडेट दे चलीछ आम 25 जगह 50 कैमेरा मुतयन रही प्रति एंगेल को आम आपको देखाऊ प्रति मुहूर्त को आम दर्शकों को देखा चाहूँ जो प्रकृत में किभली भाव में व्यवस्था ग्रहण करस्तुति चली कि भाव में बर्तमान सब जगार बर्तमान एक प्रकार समस्ते तैयार रही तत्पर रही आम एक कह जेहेतु भ्रष्टाचार टावर कहे भ्रष्टाचार अट्टालिका कहुचे दुर्नीति अट्टालिका कहुचे बेआईन कोठा कहुचे यह मात्र 9 सेकेंड ध्वस्त होता पूर्व आपको किसी सूचना देवाक चाहिए जो वर्तमान जो भाई भाव में जो आउ अल्प समय पर हे तो 3 घंटा पाखापाखी पर बिल्डिंग देखा मिलना ता पूर्व कहवा चाहिए किसी अपडेट देवाक चाहिए बिल्डिंग संपर्क में स्वागतिका जहाँ मो पाखे पहुँची प्रथम 40 महला करने व्यवस्था कराइला अर्थ 40 महला अनुमति मगा जाता किंतु आईनगत लड़े जो यह 40 महला पर्यंत पहुँची पारा ना यह अर्थ जितेबले मु कुतुब मीनार ठारू बड़ ट्विन टावर बोली कहूँ ताल अनुमान करें जी आउ 8 महला उपरकू रुहता माने पखापाखि 10 फुट लेखे आज जी आहरी 80 फुट उपरकू रुहता ताल आहरी केत बड़ होता ए टावर यह गोटे कथा रोचे एवं जेहेतु यह बेआईन कोठा भावे घोषणा करागला एथिपाई मध्य ध्वंस करागला यदि कहिबा ताहले आउ किछ अपडेट देवाक चाहिबे जे प्रकृत रे ए टावर रो कोन विशेषत्व रहितला एवं काहिं के विवाद को आसीतला ए संपर्क आलोचना करबा पूर्वरो यदि कहिबे ताले अपेक्स टावर जो उच्चता रहितर 103 मीटर एवं सीएन टावर रो उच्चता होची 97 मीटर एवं यदि कहिबा ताहले 2/3 फ्लैट बिक्री मध्य सरीतला तेणु ये गोटे बड़ प्रश्न आसूँ जो मैंने फ्लैट को किनी जो मैंने अग्रिम टंका देते से संदिहान थे आईनगत लड़ी में झंझी होते किंतु वर्तमान जेहेतु सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते जे से ही क्रेता मैंने अर्थ फेरस्त पाइबे 12% सुधरे पाइबे किंतु जो स्वप्नर घर किंतु से पाइबे ना टंका पाइबे सत कि स्वप्नर घर से पाइबे ना यह गोटे बड़ कथा एवं जी कह ट्विन टावर आखपाखे 8 मीटर दूरत किसी कोठा मध्य रही अर्थ आपड़ भिजुआल देखिपे और जो ड्रोन सट आम आपको देखा विभिन्न एंगेल रू देखा दर्शक बंधु ये ड्रोन सट्रे आप देखिपे आखपाखे अनेक आपार्टमेंट रही बासस्थान रही द्वंद्व रही आपार्टमेंट पाखे एक चिल्ड्रेन पार्क रही ग्रीनरी एरिया रही चिंतार रही समस्त चिंतार रही कारण यही टावर ध्वंस समय एक कृत्रिम भूमिकंपर गोटे आवाज कृत्रिम भूमिकंपर अनुभव एवं रिक्टर स्केल तीव्रता कहुच्छे 2 पॉइंट क्रॉस करि पारे बोली किंतु सबु प्रकार सतर्कता मूलक पदक्षेप ग्रहण कर ए टावर को 9 सेकेंड रे माटी रे मिसे दिया जीवो लक्ष्मी विस्फोट समय प्राय 30 मीटर परिधि अंचल रे भूकंप पर झटका अनुभूत हो पारे एवं 0.4 तीव्रतार भूकंप मध्य हो पारे एक कहुच्छे आम जाने समस्त कि भाव में भूकंप जोन रही दिल्ली तो यार जितेबाला एत बड़ अट्टाड़िका 9-12 सेकेंड रे माटी रे मिसि जीवो 2 विशाल अट्टाड़िका आर गोटे बड़ इंपैक्ट निश्चित भाव रे कवरेज कर 0.4 तीव्रतार एक भूमिकंप झटका लगे कह बड़ क्या पूर्व आखपाखर बासिंदा मैंने चिंतार थे आप जो कथा पचारुले जेहेतु पाखे बहुत अल्प दूर में पाखापाखि 9-10 मीटर भीतर दूर में बड़ बड़ आपार्टमेंट रही है से द्वंद्व थे से निज कांथर या समस्त फटो कथा कहतु बड़ टीवी कथ कहु तलू को ओल्लैंट घर छाड़ी पलायंट कारण कौन मुहूर्त में कांथर लटका जा जिनस तले पड़ संभावना सबुठ अधिक रही से स्थानीय बासिंदा भयभीत अवस्था अच्छा पूर्व आम आगु गोटे स्टोरी दर्शक देखा कि भाव से अंचल केवल मनुष्य नुहति
केवल मनुष्य नुहंत पशु पक्षी को यथासंभव बुला कुकुर को आम कही रखुचु से अंचल बुला कुकुर आंबुलांस जरिया बहुत दूर को छाड़ी दि जाए जो भाव में सब प्रकार प्रिकसन ग्रहण करगर प्रतिनिधि सहित कथ होते मकड्रिल सरी सारी केवल अपेक्षा जो अवगणना धीरे धीरे पाखे पाखे जाऊपाखि तीन घंटू कम समय रहा एवं दुईटा तीस बाजी दस सेकेंड पर हे तो ये कोठा आउ देखा मिले ना लक्ष्मी बड़ कथा होची कि जिते बड़े बड़ बड़ अट्टालिका बड़ बड़ बिल्डिंग तैयारी करा जाउची परिवेश प्रति काहेकि ध्यान दिया जाउ नाही तो आज जे बड़े भाबरे ट्विन टावर ध्वंस पई प्रशासन पक्षरु सब प्रकार प्रस्तुति को जोरदार करा जाइची आ मात्र केई घंटा परे माटी रे मिसिब ए 100 मीटर उच्चर अट्टालिका ये बिल्डर मानक पई गोटे बड़ शिक्षा बोली आमे कहि परबा कि आगको जे माने बड़ बड़ बिल्डिंग तैयारी करिवे बड़ बड़ अट्टालिका तैयारी करिवे सेमानक पई ये गोटे मेसेज रहइबो निश्चित भाव में यह केवल यही गोटे प्रथम घटना नुहे आगुरु आप केरल जो भाई भाव में चारिटी कोठा को ध्वंस कर 2020 मसीह आप देखूँ ता पूर्व यही बिल्डिंग एक प्रकार एक व्यवस्था आरंभ हो सारी ट्विन टावर रहा 9 वर्ष भितर ये बिवाद भितर छंदी हो रही है किंतु ये तो ध्वंस कलापर सुप्रीमकोर्ट कड़ा निर्देश देलापर निहाती भाव में आप जो प्रश्न पचारूल जे जो बिल्डर मैंने असाधु उपाय बड़ बड़ अट्टालिका ठिया करें एक बड़ आह्वान रड़ सतर्क घंटी रे जदि कौन असाधु उपाय बेनियम भाव हाथ गुंजा दे जदि सरकारी अधिकारी को से बड़ बड़ बिल्डिंग ठिया कराऊंट जे कौनसी मुहूर्त से बिल्डिंग को भांगार क्षमता सुप्रीम कोर्ट को रही सर्वोच्च अदालत रही अर्थ यह गोटे उदाहरण एक स्मारकी रंत पक्षे जो बिल्डर मैंने असाधु उपाय बड़ बड़ बिल्डिंग जैसे आप्रुव आनी थे जथेष अधिक से महला सृष्टि कर चली था से एक बड़ आह्वान रदाहरण रगतिका निश्चित भाव में गोटे बड़ सबक और बड़ शिक्षा हो रही है आंबुलांस सहित आम देखु कि भाव में नोएडा पुलिस अधिकारी मैंने पूरा पूरी सजग रही जदि विस्फोरण बेले कौन प्रकार अघटन घटू तेरे लोक आंबुलांस सुरक्षित भाव में हस्पिटाल नि संपर्क में आलोचना जारी रखा नन स्टॉप कवरेज आम जारी रही आ मात्र कई घंटार बाकी रही तो ये भारत इतिहास जदि देखा कि प्रथम मात्र 9 सेकेंड में ध्वंस हो दिल्ली नोएडार ट्विन टावर बर्तमान कितु समय होने गोटे छोट ब्रेक खूब शीघ्र फेर छोट ब्रेक तो आज मटी में मिशि दुर्नीतिर अट्टालिका आम नॉनस्टॉप कवरेज जारी रही है आम रिपोर्टर रही सेठे एवं प्रति अपडेट दे चली ग्राउंड रू कि भाव में व्यापक प्रस्तुति कहीं सका सका स्थानीय लोक प्रशासन पक्ष स्थानांतरित अंचलवासी को पूरा खाली करने को निर्देश दि जाए सहित स्थानीय लोके निजर आवश्यक सामग्री सहित घर खाली कर तो व्यापक प्रस्तुति कहीं भारत इतिहास ये हूँ प्रथम नोएडार ट्विन टावर ध्वंस हो तो काउंट डाउन स्टार्ट काउंट डाउन आरंभ हो जाए एपेक्स टावर 32 महला सियान टावर 28 महला गोटी हेउची अपेक्स एवं अन्यटी हेउची सियान टावर 3700 किलो बारूद विस्फोरण हेबो ये भारत इतिहास रे प्रथम अधिक आलोचना करिबा आईएनजीबी अछंती मोनालिसा गंतायत अछंती मोनालिसा मैडम आपको स्वागत करुच आलोचना को आम नॉनस्टॉप कवरेज जारी रही भारत इतिहास रे देखिबा कि प्रथम आउ मात्र किछि समय परे नोएडार ट्विन टावर ध्वंस हेबो गोटे कथा आमको जना पड़ू कारण होल एटा भारत वर्ष प्रथम एटा समस्त डिस्कशन साम्राज्य जोटा विध मैं ध्वंस विध्वस्त हो गए कला साम्राज्य आईनगत दिग्वे प्लानिंग गोटे गोटे जिनसे बिल्डिंग टावर या जो कि ग्राउंड नहीं कि ऊपर लेवल जाए जो करप्शन जो चली करप्शन से जुडिशियल डिपार्टमेंट सब ऑब्जर्व करे एंड लोक मानक चेक दिया चेक दे कि जो आगु को नबार जो प्रोसीजर जो आम अच्छी चेक एंड बैलेंस जो आम गोटे थियोरी अच्छी सुप्रीम कोर्ट मैसेज देले एवरी मानने जो बिल्डर्स मान को जो मैंने सब घर तैयारी कर चेक कर तम परिवेश जो कंट्राक्टिंग जो घर तैयारी करो जहाँ भी करो टे साइड रे जो सामाजिक लोक मैंने रोचे जो एनवायरमेंट इश्यू रो इकोसिस्टम आगे अच्छी निहाती आप ध्यान देवा दरकार आतीक तुमको एप्रुवाल मिलूँ इनिगल वे रे कारण यहाँ टोटल कंस्ट्रक्शन टा इनिगल वे रही
डिपार्टमेंट उपरे लोकंकर भरोसा हला एंड जो एसोसिएशन दिल्ली रो सेमने जो प्रेयर करथिले ताकु मध्ये कंसीडर करा हला आ एटा को जेतु कि गोटे डिमोलिशन होची याकु समान जो आखपा कंट्रोल रे एते दिन तो प्रभावित निश्चय लोक हेबे कारण एटा अपन भी जानि छै आमे इट इज नॉट अ वेरी माने छोटो घटना नै एटा विराट बड़ घटना किंतु एति कि मो जानि छै जेतु कि जुडिशियरी डिपार्टमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर गाइडेंस रे चली छै सब किछि एति समिति लोक मानकर बेसी खेती घटिबो नै आ जथा शीघ्र जेतु कि एटा केरल रे कोचिंग रे अपन जानि छै एटा गोटे होइछ ना छोटो इशू बट एटा गोटे बहुत बड़ गोटे बड़ मेसेज निश्चित भाव रे मैडम जाउ छी जेते पड़े एते बड़ कोठा को काहे कि माटी रे मिसाबा पई सुप्रीम कोर्ट निर्देश दै छंती तो बड़ कथा होछि कि डिटेल्स रे आमे मत दर्शकक सामने रे सही कथा कहूँ किंतु जो माने दुर्नीति करिबे जो माने एभली अनियमितता करिबे से माने आदो बर्ती पारिबे नाही सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश दै छंती बे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रे ध्वंस हेउची टावर एई मेसेज जाउ जीवो की बदलने जा रहा है एक सख्त संदेश देने जा रहा है। दोपहर के 2:30 बजे का वो वक्त होगा और 3 घंटे से भी कम का वो वक्त रह गया है कंचन, जब मेरे पीछे इस वक्त में मात्र 500 मीटर की भी ये दूरी नहीं है जो मेरे और ट्विन टावर के बीच में आप देख रही होंगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो पैन करके दिखाएं ये व्यू, बहुत पास हूं मैं ये ट्विन टावर्स के जो कुछ ही समय में मिट्टी में मिल जाने वाली है, लगभग 3 घंटे का वक्त। और इस पूरे इलाके में आप देखेंगे एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति छाई हुई है, नो मैंस लैंड ये पूरा एरिया जो है वो लगभग इसमें तब्दील हो चुका है। करीब 5,000 के आसपास की आबादी यहां पर रहती है जिनको कल से ही निकालने का काम शुरू हो गया था। लोग या तो रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गए हैं, होटल्स में शिफ्ट हो गए हैं, या जो दूर सोसाइटीज हैं उनके आरडब्ल्यूएस ने इनिशिएटिव लिया है, उनके रुकने का, उनके खाने का, उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। बिजली काटी जा चुकी है, नो इलेक्ट्रिसिटी जोन है, गैस पाइपलाइन वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, मतलब अब आप समझ लीजिए कि काउंटडाउन जारी है। और मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो दोपहर 12 बजे के वक्त जो टीम है एक बार फिर से एक्सप्लोजिव्स को चेक करेगी, दोनों ही टावर जो उसके बीच में आप ये ज्वाइंट देख रहे हैं ना, एक्सप्लोजिव को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। और दोपहर 2 बजे का वक्त जो 6 मेंबर्स की टीम है जो ब्लास्टर्स हैं वो अपनी पोजीशन ले लेंगे और 1 बजे ट्विन टावर पर वो पहुंच जाएंगे। 2:15 बजे ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा एक्सप्रेसवे के आसपास से जो ट्रैफिक होकर जाता है, आसपास की जो कनेक्टेड रोड है, 2:15 बजे का ठीक वक्त है जब ट्रैफिक को यहां पर रोक दिया जाएगा। और उसके बाद 2:25 पर नोएडा पुलिस की तरफ से फाइनल गो अहेड जो सिग्नल है वो दे दिया जाएगा और 2:29 पर एक सायरन बजेगा। एक सायरन बजेगा जो इस बात को इंगित करेगा कि अब बस ये एक्सप्लोजन होने ही वाला है। और 2:30 का ये वक्त जब उस ग्रीन बटन को प्रेस कर दिया जाएगा और ये दोनों बिल्डिंग जो है वो ताश के पत्ते की तरह, और जैसे आपने जिक्र किया कि एक झरने की तरह नीचे आएंगी, ये बेसिकली अगर आप टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, मतलब परखच्चे नहीं उड़ेंगे, चितड़े नहीं उड़ेंगे, ये इंप्लोजिव है। मतलब ये बिल्डिंग जिस 90 डिग्री पर खड़ी है उसी तरह कमजोर होकर ताश के पत्ते की तरह नीचे ढह जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास, एक मैसेज हिंदुस्तान के हर राज्य के हर उस बिल्डर, हर उस कंज्यूमर के जहन में स्थापित हो जाएगा कि भ्रष्टाचार का अंजाम ये भी हो सकता है। तो जेबड़ भाव में भ्रष्टाचार आज शेष कहानी देखा पड़ा मात्र किसी घंटार बाकी अच्छी काउंटडाउन स्टार्ट हो किसी क्षण मध्य धूलिसात हो 800 कोटी टंकार निर्माण होता विशाल अट्टाड़िका तो ए दिगरे व्यापक प्रस्तुति कर नो मैन्स लैंड जो अंचल देखा कि पूरापूरी जनगहली रोला पूरापूरी शांतिमय हो लोक स्थानातरित कर आज दिन 2:30 मटी में मिशि नोएडा सुपरटेक् ट्विन टावर मात्र 9 सेकेंड रे धूलिसात हो ट्विन टावर
टावर आपण देखी पारु चंती से विजुअल जो ट्विन टावर धुलिसा थैचबा मात्र 9 सेकंड रे एपेक्स टावर 32 महला सियान टावर 28 महला विशिष्ट अट्टालिका रे विस्फोट पई 3700 किलो बारूद खंजा जाइछि तो किछि समय अपेक्षा रहिछि किछि घंटा अपेक्षा रहिछि व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तमाम अधिकारी पहुंची सारी चंती नो मैन्स लैंड एवं एम्बुलेंस मध्य पूरा पूरी सजग रहिछि कोनोसे अघटन हेले तुरंत किबर बापरे हॉस्पिटल पहुंच जाई परिबो तो व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि भारत इतिहास रे येउछि प्रथम अधिक आलोचना पई मो सहित वर्तमान जोडी होइछंती परिवेशविद इंजीनियर मनोरंजन मिश्र एवं लक्ष्मी मध्य लगातार भाबरे मो सहित जोडी होछंती न्यूज रूम रु इंजीनियर मिश्र आपनकु स्वागत करू छ आलोचना कु भारत इतिहास रे ये उची प्रथम नोएडा ट्विन्स टावर आउ मात्र किछि घंटा परे ध्वंस हेबो आपनकर प्राथमिक प्रतिक्रिया कोन होइबो परिवेश उपर त गोटे बड़ प्रभाव पड़िबो किंतु आपन प्रथमा को केमती देखु छंती वर्तमान आज जो डिमोलिशन एक्टिविटीटा करा जाउछि सेइटा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट राय अनुसार एटा वर्तमान करा जाउछि किंतु एटा आमर द्वितीय डिमोलिशन बोली कहिया पड़िबो काहेकि ना या पूर्वरु 2019 मसीहा रे आउ गोटिए डिमोलिशन हेइथला जोटा कि केरल रा कोची शहर पाखरे सेटा करा जाइथला सेठी गोटे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराई से बिल्डिंगटा से 19 महला विशिष्ट थिला पाखापाखी 60 मीटर उच्चतर सेटा प्रथमे सेटा ए भलिया विस्फोटक जिनस द्रव्य डायनामाइट बा आरडीएक्स देकरी ताकू माने करथिले वर्तमान ए जो ट्विन टावर आमर नोएडा रा सेक्टर 93 रे जोटा होची सेटा भी ए भलिया द्वितीय जिन डिमोलिशनटा हबो आउ यादरे बहुत प्रकार प्रतिक्रिया भी सृष्टि होउची आमर सारा देश रे किंतु एटा जो प्रथम हमको बुझिया पड़ो एटा हेला काहे कि जो जो गुरुत्वपूर्ण राय सुप्रीम कोर्ट देले सही अनुसार एटा वर्तमान करा जाउची किंतु मु एठी प्रश्न रखिबी जे एई जिनसटा हबाकू दिया गला काहे कि माने जीवन रे भंगा गढ़ा जिनसटा चली भंगा होची पुणी गढ़ा होची पुणी भंगा होची एटा गोटे साइक्लिक एयर चली सारा पृथ्वी रे किंतु गोटे जिनस को भांगिया पूर्वरु किंबा गोटे गढ़िया पूर्वरु बहुत भाव रे एटा को डिस्कशन करिवार अछि तापरे गोटे सिद्धांत रे पहुंचिवार अछि प्रथमे जदि ए जिनसटी अनलॉफुल बा आईनी अनुजाई एटा करा जाय थांता ताले आज ए दृश्य देखिवा को पड़ी न थांता जदि आप बर्तमान यू भांगा को जाऊे या सांगे बहुत जिनस नष्ट प्राय हरारी 80,000 टन गार्बेज बाहर या देहर जहाँ हरारी 60 भाग गार्बेज यार जो बेसमेंट अच्छी से बेसमेंट ट्विन टावर बेसमेंट भर्ती हो रही आउ बाकी 30,000 पाखापाखी गार्बेज गुड़िक सड़क बाहर करना पड़ो अन्य जगह को युवा जा लैंडफिल पड़ तापरे पुणी से ताकू सब शिफ्ट करिया का गुड़ाए ट्रक ट्रेलर ए सब जिन सब लोड करियो तो कि जेतु नियम उल्लंघन हेबा परे सुप्रीम कोर्ट जेते बडे आको भांगेबा पई निर्देश दैछंती तो ये जो बेआइन कार्य होइतला ध्वंसर तांडव ध्वंस हेबा किसी समय परे किंतु आर गोटे परिवेश उपर गोटे बड़ प्रभाव पड़िबो निश्चित भाव रे विस्तृत भाव रे आपनको प्रतिक्रिया मध्ये नेबी कोन प्रकृत रे परिवेश उपर प्रभाव पड़िबो किंतु वर्तमान समय होची निजबा आउ गोटे छोट ब्रेक खूब से परबा तो काउंटडाउन जिते बले स्टार्ट हो जाइछि नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर ध्वंस पई अपकरण आरंभ हो जाइछि आज दिन 2:30 रे माटी रे मिसिबो नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर तो यार भितरे व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि प्रतिटि अपडेट आपनकु देइ चलिछु नॉनस्टॉप कवरेज मध्य हमर जारी रहिछि अब रिपोर्टर मध्य प्रतिटि ग्राउंड रही प्रतिटि अपडेट मध्य दउछन्ति जेतु पुरा 10 वर्षर विवाद परे मात्र 10 सेकंड रे धुलिसात हेबो एही टावर एथि पई समस्त प्रस्तुति शेष होइछि एवं बड कथा होइछि कि दिल्लीर ऐतिह कुतो मीनार थारू अधिक उच्च हेउची एही बिल्डिंग एवं मात्र किछि सेकंड भितरे
पूरा पूरी देखा कि विस्फोरक विस्फोरण लगे व्यवहृत हो 3700 के जी विस्फोरक 5000 लोक स्थानीय लोक स्थानांतरित कर तो लक्ष्मी अच्छा मो सहयोगी लगातार भाव में न्यूज रूम रु लक्ष्मी बड़ कथा कि आप जो कथा कहते दिल्ली ऐतिह कुतुब मीनार ठारू बिल्डिंग उच्चता होगी बड़ एवं जहाँ सूचना अच्छी कि ध्वंस बेले धूली रखा को जियो टेक्सटाइल फाइबर लगी फाइबर परदारे ट्विन्स टावर को ढंका जा तो आर निश्चित भाव में कौन रभाव निश्चित भाव आप जो कथा कहते हैं जो दुईट कथा आप उत्थापन कले गोटे हूँ कुतुब मीनार ठारू बिल्डिंग बड़ निश्चित भाव यह 32 महला हेलापर आम यहाँ कुतुब मीनार बड़ कहे जदि धार्य 40 महला होता तेल सी आहरी केतर को जाता आहरी केत बड़ मुंड टेकिता यह गोटे बड़ प्रश्न आसुचे द्वितीय प्रश्न आसुच्छे भांगा बेले जो 3 किलोमीटर पर्यंत धूलीर चादर विस्तृत कहूँ जो कह बर्तमान आखपाख अंचल धूली आच्छादित होनेक घंटा 2-3 घंटा पर्यंत किसी देखा ना अंधारुआ होूलीमय हो समय हो भग्नावशेष बाहर पर एक आम कहीपर जे गोटे बड़ कथा ये गोटे सूचना आम कहीपर जितेबले गोटे घर गढ़ा एत सहज नुहे सेमती गोटे घर को भांगा सहज नुह गोटे घर गढ़ापी जिते समय लगे किंतु भांगापी अल्प समय लगे कि भांगार जो प्रोसेस 8 मास जारी रही जो भांगा इंजीनियरिंग माने इंजीनियर माने काम करुले भांगापी से 8 मास धरी काम करुले 3 घंटा पूर्व जहाँ रिपोर्ट सूचना दूसरे जो भांगार 3 घंटा पूर्व एक मकड्रिल सरी सारी किभली भाव में बटम दबा जीवो किभली भाव में तार सराउंडिंग सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करें एक मकड्रिल किंतु बटम दबा जीवो 2:30 समय बड़ कथा है भितर अनेक प्रश्न दर्शक मन को आसुव जो प्रश्न को आम लोकंग पाखरे पहुंचाउछे जे ट्विन टावर कौन कहीं ट्विन टावर को नहीं बिवाद कहीं भंगा जीव भांगा केते जरूरी थिला भांगिला परे कौन हेबो ए अनेक तमाम प्रश्न ता भितर लोकंकर पैसा कौन केमती फेरी पाइबे एवं ए समान प्रश्न सामना को आसुच्छे ए प्रश्न को आम लगातार भाव में डिस्कसन करिबा आलोचना मध्यम लोकों पाखे पहुँचाऊे एवं टिकनिक खबर जनवाई ट्विन टावर रो पुणि थे कही रखुचु आमर प्रतिनिधि माने प्रति जगार मुतयन रही पखापाखि ट्विन टावर रो डिफरेंट दूरतार 25 स्थान 25 लोकेशन 50 अधिक क्यमेरा मुतयन कर प्रति एंगल चित्र आम देखाऊ बड़ कथा जो विध्वंस प्रक्रिया कथा कहुच्छे यह एक जदि 9 सेकेंड रे ट्विन टावर मटी में मिशिव किंतु प्रक्रिया ढेर दिन आगु आरंभ होता जदि न्यायिक प्रक्रिया कथा कह 9 वर्ष होता एवं जदि आपणकर विध्वंस करने ध्वस्त करने प्रक्रिया 8 मास आगु आरंभ होता एवं जहाँ प्रतिनिधि से रूपे सूचना दौले जे 90 डिग्री हिसाब से जमी ट्विन टावर ठिया से भाव में जमी तल को खस एपाक सेफाक होबना यह गुरुत्व दि जाए एक इंजीनियरिंग सिस्टम जरिया यदि कह प्रति जगार होल कर हजार हजार होल कर आम आपको कही रखु जो बड़ बड़ अट्टालिका को ध्वंस कराए यदि मु 143 मीटर उच्चर यूएसए ओशन टावर कथा मन पकेबाकु चाहिबे जहाँ विध्वस्त कथ जी मन पकेबा को चाहिए 2006 मसीह ओशन टावर को निर्माण करा जाइथिला जहाँकि 143 मीटर थिला सेठे अत्याधुनिक व्यवस्था करा जाइथिला यदि कह स्विमिंग पुल द्वारा सब किसी करा जाइथिला किंतु 2008 मसीह तार पिलर रे फाट देखागला से बिल्डर कंपनी बाध्य भांगापी कि बड़ कथा जेहेतु पिलर दुर्बल मुंबई एडिफाइस इंजीनियरिंग कंपनी 2020 मसीह कोचि में 4 उच्च अट्टाड़िका को भांगी उपकूल और सुरक्षा जोन नियम उल्लंघन करण कर भंगा जाता एमती अनेक इतिहास रही कितु एत बड़ जो बिल्डिंग जो धूलिसात हो मात्र 9 सेकेंड निश्चित भाव में इतिहास कहे और ये भारत इतिहास प्रथम कहे आगे आलोचना जारी रखा कि बर्तमान समय हो गए छोटे ब्रेक नहीं जाए।